यस गाइस, तो आपने बिल्कुल सही सुना, 12th बोर्ड रिजल्ट फाइनली आने वाला है और रिजल्ट डेट भी अनाउंस कर दिया गया है और किस टाइम को आपके रिजल्ट आएंगे वो भी हम देखने वाले हैं। उससे पहले अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पर आपको आपके रिजल्ट के बाद एडमिशन तक फुल सपोर्ट मिलता है। और हाँ, आपको लगभग दो ऐसे वेबसाइट में बता दूंगा जिससे आप इंस्टेंटली लगभग विद इन अ सेकंड आप अपने रिजल्ट देख पाएंगे, क्योंकि रिजल्ट के टाइम पे आप सभी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है बहुत ही हैंग चलता है, बहुत ही लोड लेता है, तो आप विद इन अ सेकंड रिजल्ट देख पाए इसलिए लगभग आपको दो मैं ऐसे वेबसाइट बताने वाला हूँ। सो सब्सक्राइब नाउ। और हाँ, अभी अभी का लेटेस्ट न्यूज़ है जिस पर आप सभी के 12th रिजल्ट आने के ओवरऑल दावे बताए जा रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जनसत्ता का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ऑफिशियल आर्टिकल में क्लियरली यहाँ पर 10th और 12th के रिजल्ट डेट रिगार्डेड फुल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। फाइनली यहाँ पर क्लियरली स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो, माना जा रहा है कि बोर्ड 8 मई को HSC के परिणाम जारी कर देगा, यानी कि 12th बोर्ड के जो रिजल्ट है 8 मई को जारी हो जाएंगे। अगर आप सभी के जो रिजल्ट है 8 मई को जारी होंगे तो टाइम क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट का यही दिक्कत रहता है कि टाइम किस टाइम में हमारे जो रिजल्ट है जारी होने वाले और 100% 8 मई को ही रिजल्ट आएंगे क्या। तो देखिए, सबसे पहले प्रीवियस ईयर ट्रेंड देखिए तो आप सभी को पता है अगर 12th बोर्ड के रिजल्ट आते हैं तो मोस्टली लगभग 1 या फिर 1:30 बजे ही आप सभी के रिजल्ट आ जाते हैं, मतलब 2 PM तक, यानी कि 2 बजे तक आप सभी के रिजल्ट यहाँ पर ऑफिशियली अनाउंस कर दिए जाते हैं। अगर यहाँ पर रिजल्ट आना है तो 2 बजे तक आप सभी के रिजल्ट आ जाएंगे, बट क्या पॉसिबल है कि 8 मई को आप सभी के रिजल्ट यहाँ पर आ जाए। चलिए पूरा अपडेट पढ़ लेते हैं। आप सभी को यहाँ पर वीडियो एंड तक वॉच करना है ताकि आपको पूरा यहाँ पर जो आपका कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको पता है आफ्टर योर रिजल्ट एडमिशन तक सपोर्ट मिलने वाला है और हम यहाँ पर लाइव आके आप सभी के रिजल्ट भी चेक करके देने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोड आता है ऑफिशियल पर जब आप सभी के रिजल्ट जारी हो जाते हैं। और दो ऐसे वेबसाइट भी बताने वाला हूँ जिससे आप विद इन अ सेकंड इंस्टेंटली अपने जो रिजल्ट है वो चेक कर पाए, ठीक है। तो देखिए, महाराष्ट्र SSC HSC रिजल्ट 2024 डेट रिगार्डेड ये जो आर्टिकल है, जो न्यूज़ है, बहुत ही वायरल और ट्रेंडिंग चल रहा है। देखिए, महाराष्ट्र बोर्ड 10th एंड 12th के जो नतीजे है वो जारी होने वाले हैं और इन स्टेप से आप फॉलो कर सकते हो। और नीचे आपको देखने को मिलता है कि महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि SSC और HSC जल्द ही 10th और 12th बोर्ड के परिणाम जारी कर सकता है। और आपको यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि 8 मई को आपके जो 12th के रिजल्ट है वो जारी हो सकते हैं, बट क्या पॉसिबल है कि 8 मई को ही आपके रिजल्ट आ जाए, तो बिल्कुल नहीं। देखिए, यहाँ पर लगभग पॉसिबिलिटी ना के बराबर है कि 8 मई को आपके रिजल्ट आ जाए, क्योंकि देखिए अगर आप ऑफिशियल कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ देख लेते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्लियरली 10 मई दिखाई देगा, बट यह भी ऑफिशियल जो है ऑफिशियल रिजल्ट डेट नहीं है, इस डेट को भी आप सभी के रिजल्ट नहीं आ सकते, ठीक है। अब आप परेशान हो गए होंगे। देखिए, क्लियरली अगर रिजल्ट आना है तो आपको लगभग ऑफिशियल वेबसाइट पे पता चल जाता है, तो लगभग 2 से 4 दिन पहले ही ऑफिशियल नोटिस जारी हो जाता है महाराष्ट्र बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे कि इस डेट को इतने बजे आप सभी के रिजल्ट जारी होने वाले हैं। और अभी तक भी ऐसे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या फिर नोटिस नहीं आया, तो बिल्कुल ये जो है फेक न्यूज़ है कि 8 मई को आपके रिजल्ट आने हैं या फिर 10 मई को आपके रिजल्ट आने हैं, तो बिल्कुल ही ट्रस्ट मत करिए फेक न्यूज़ पर, तो बिल्कुल ही ट्रस्ट मत करिए। जो चैनल वाले आपको बता रहे हैं कि आपके रिजल्ट आज 5 बजे या फिर लगभग आपके रिजल्ट 8 मई को 10 मई को जारी होने वाले हैं 100% श्योर, तो बिल्कुल ही ट्रस्ट मत करिएगा। तो अभी आप सभी का यही क्वेश्चन रहने वाला है कि हम सभी के रिजल्ट अगर 8 मई को 10 मई को 12 मई को जारी नहीं होंगे तो एक्चुअल डेट क्या है हमें बता दीजिए। तो देखिए, आप सभी के रिजल्ट मोस्टली, ठीक है, मोस्टली आप सभी के रिजल्ट 10 मई से लेकर 15 मई के बीच जारी हो सकते हैं किसी भी डेट को। लगभग आपके रिजल्ट 12 मई को 13 मई को या फिर 14 मई को आप सभी के रिजल्ट जारी हो जाएंगे, बट 10 मई आपका एक्चुअल डेट नहीं है और 8 मई को तो आपके रिजल्ट आने ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए, फेक न्यूज़ से बचिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट और यानी कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। और हाँ गाइज, आपको कमेंट जरूर करना है कि आपको 10th और 12th में कितने परसेंटेज तक मिल सकते हैं और आफ्टर 12th आप सभी का यानी कि एडमिशन स्ट्रीम कौन सा है, यानी कि इंजीनियरिंग या फिर BSc एग्री या फिर BTech कुछ भी हो, आप सभी को कमेंट जरूर करना है। और फाइनली रिजल्ट डेट या फिर रिजल्ट लिंक भी एक्टिवेट हो जाता है या फिर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है तो मैं आपको अलर्ट नोटिफिकेशन देने वाला हूँ। मेक श्योर सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन एंड जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक्स।